This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है ऑन 1 मार्च 2010 जीसी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. द न्यू प्लांट वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ₹100 मिलियन. On 31st May 2011, interesting question है. 1st March 2000 10 को start हो रही है और कंप्लीट हो रही है 31st मई 2011. जी सी द फॉलोइंग सोर्सेज हियर लॉन्च 70 मिलियन प्लांट, मतलब 13% और हर 6 महीने बाद पे कर देना है. एन अरेंजमेंट फी एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द लोन अमाउंट वाज पेड टू द बैंक. कुछ लोग वॉइस इशू कह रहे हैं, सबको वॉइस इशू आ रहा है या बस चंद लोगों को आ रहा है? सबको आ रहा है सर. चलें, ये अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में. उसके बाद लिखा हुआ है 2 इंस्टॉलमेंट ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड On 1st August 2010 and 28 Feb 2011. ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये कल भी हमने डिस्कस की थी कि 2 इंस्टॉलमेंट ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल 5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड. एक हमने 31st of August 2010 को पे करनी है और दूसरी 28 Feb 2011 को पे करनी है. सेकंड पॉइंट है, जीसी आल्सो हैज अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 100 मिलियन कैरिंग मार्क ऑफ 14% पर एनम. एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फैसिलिटी प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज 10 मिलियन. एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी. कहते हैं कि अगर पैसों की जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा फाइनेंस फैसिलिटी से पे किया जाएगा. Surplus fund were used to reduce the running finance facility utilization or invest in saving account at the rate of 8% per annum. कहता है कि जो surplus fund है वो जितना भी extra आएगा वो हम 8% के हिसाब से invest कर दें. Payment made to contractor 1st मार्च 2010 को 25 मिलियन, 31st जनवरी 2011 को 65 मिलियन और 30th सितंबर 2011 को 10 मिलियन. द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1st फेब टू 28 फेब 2011. द सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन द शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट. ये हमारा सस्पेंशन पीरियड है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2010 एंड 2011 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. जी जनाब, ईयर एंड हमारा 30th जून है, राइट? हाँ जी जनाब, फाइंड हमने एसेट की कॉस्ट नहीं करनी बल्कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, वो हमने फाइंड करना है. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. इसमें जनरल बोरोइंग भी है, स्पेसिफिक बोरोइंग भी है, अरेंजमेंट फी भी है, सारी वही चीजें हैं जो कल थी.
लेकिन हमने बोरिंग कॉस्ट को जो कैपिटलाइज करना है वो 30 जून 2010 को भी करना है और 30 जून 2011 को भी करना है। हमारा जो एसेट कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 31 मई 2011, 31 मई 2011। बहुत अच्छा सवाल है ये जी जनाब। सबसे पहले फॉर्मेट बना, इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड हमने फाइंड करनी है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड थर्टियथ जून 2010 और 30 जून 2011 तक। थर्टियथ जून 2010 और 30 जून 2011 तक दो, क्योंकि इसमें हमने एसेट की कॉस्ट तो फाइंड करनी नहीं, सिर्फ ये चीज देखनी है कि 30 जून 2010 तक कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे और 30 जून 2011 में कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग स्पेसिफिक बोरोइंग में तीन चीजें इसमें गिवन है, एक अरेंजमेंट फी, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट या दूसरे लफ्जों में इंटरेस्ट, इसमें से हम लेस कर देंगे शॉर्ट टर्म टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम और फिर ऐड कर देंगे जनरल बोरिंग कॉस्ट। जी जनाब, ये हमारी हेडिंग्स आएंगी, दोनों सालों के लिए अलग अलग काम कर लेंगे या टोटल वर्किंग करके जो जिस साल में अमाउंट आ रही होगी उसी साल में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो 1% अरेंजमेंट फी है, 70 मिलियन का 1% ले लें, अमाउंट इन मिलियन में करना है तो इन मिलियन में कर लेते हैं और अगर इन थाउजेंड में करना है तो इन थाउजेंड में कर लेते हैं, तो रुपीज इन थाउजेंड कर लेते हैं। जी जनाब, तो 7 मिलियन का 1% लें, मतलब कि 7,000 का 1% लें, 7,000 का 1% लें। जी 70 मिलियन है, 7 मिलियन नहीं हाँ तो 7,000 बन जाएगा ना, हमने इन थाउजेंड में लिया, 70 मिलियन है माजरा, 70 मिलियन, तो 70,000 का 1% लें, 700 आ जाएगा। और ये फी सिर्फ उस साल आएगी जिस साल हमने पे की है, जिस यानी साल में हमने अरेंज किया है लोन। फिर उसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उसने कहा कि जनाब 70 मिलियन का लोन है, 5 मिलियन हमने पे कर दिया 31 अगस्त को, फिर मजीद 5 मिलियन हमने पे कर दिया 28 फेब 2011 को। ओके, होगी बात। इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज है,
वो जरा गौर फरमाइएगा। देखें जनाब, वर्किंग नंबर वन, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, हमने लोन लिया था 1 मार्च 2010 को, 1 मार्च 2010 को 70 मिलियन का, राइट? किस रेट पे? 13% पे, मल्टीप्लाइड बाय 13%, मल्टीप्लाइड बाय 1 मार्च से लेकर 30 जून तक पहले हम काम करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि साल एंड हो गया, जो काम पहले होगा हमने वो करना है, तो पहले साल एंड हो चुका है, एसेट कंप्लीट होने से पहले ही साल एंड हो गया। तो जनाब हमने क्या करना है, 1 मार्च, मार्च का महीना, अप्रैल का, मई का और जून का 4/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी अमाउंट आ गई? 3033 3033, ये आ गई अप टू 30 जून। ये क्या, कब तक आ गई? अप टू 30 जून। तो 31 मई तक नहीं लेंगे वो एसेट थर्टी कंप्लीट होगा? फर्स्ट देखें आप, वो 2011 में एसेट कंप्लीट हुआ है, हम अभी 2010 में हैं। एसेट कब कंप्लीट हुआ था? 2011 में, 31 मई 2011 में एसेट कंप्लीट हुआ है और हम अभी 2010 में हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, 30 जून 2010 से लेके 31 अगस्त तक, क्योंकि 31 अगस्त को हमने एक पेमेंट की है 5 मिलियन की, तो इसका मतलब ये है कि सारा इंटरेस्ट हमें नहीं पे करना पड़ेगा उसके बाद। तो 31 अगस्त 2010 तक हमारा लोन 70 मिलियन रहा, मल्टीप्लाइड बाय 13 बाय कितना टाइम बनता है? टू मंथ। तो अमाउंट ले लें जनाब, 3070,000 मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, 1517, 1517। फिर उसके बाद 31 अगस्त से लेकर 28 फेब तक पांच मिलियन का लोन पे कर दिया, तो बाकी बच गया 65,000। सर ये यानी जब सस्पेंशन पीरियड नहीं पांच होगा फिर वाला? तो सर फेब का महीना सस्पेंशन पीरियड है। वो हम लिख लेंगे, वो जब रेट अप्लाई करेंगे तो तब लिख लेंगे। तो 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय अगस्त से लेकर फेब तक टोटल 6 महीने बनते हैं, लेकिन एक महीना सस्पेंशन होने की वजह से हम 5 मंथ लेंगे। क्या क्योंकि 3521, उसके बाद 28 फेब से टू थाउजेंड टेन से लेकर 31 मई, ये 11 है, 28 फेब 11 से लेकर 31 मई 11 तक
हमारा लोन आगे 60,000 है, क्योंकि 28 फेब को 5,000 मजीद पे हो गया। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय फेब से लेकर मई तक का टाइम काउंट कर लें, थ्री बाय ट्वेल्व, क्योंकि फेब तो खत्म हो चुका है ना, मार्च अप्रैल और मई। जी जनाब बताएं कितनी वैल्यू आ गई, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 1950। काम हमारा कंप्लीट हो गया, जो ये शुरू वाली अमाउंट है ये बोरोइंग कॉस्ट है 30 जून 2010 तक, और जो बाकी ये वाली अमाउंट्स हैं ये आएंगी 30 जून 2011, अगले साल की बोरोइंग कॉस्ट। तो 30,333 ये आएगा 2010 में, बाकी तीनों को ऐड करके बताएं 1517 3521 1950। सिक्स नाइन डबल एट लो जी, वर्किंग नंबर वन का रेफरेंस दे देंगे। अब हम चलते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, इसमें भी बहुत मजे की चीजें हैं, क्योंकि हमने लोन वापस भी रीपे कर दिया, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर को भी पे कर रहे हैं, तो बस जरा ध्यान लगाए रखना है वर्किंग नंबर टू टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। हम क्या कॉलम बनाते होते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के, डेट लिखते हैं, हमारा रिमेनिंग लोन कितना रहता है, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है, फिर मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ओके की बात। अब आओ जरा क्वेश्चन को अपने सामने रखो। सबसे पहले हमने लोन लिया था 1 मार्च 2010 को, 1 मार्च 2010 को 70 मिलियन का, 1 मार्च 2010 को 70 मिलियन का लोन लिया था, माइनस इस डेट को जो जो पेमेंट की है वो इसमें से माइनस कर देते हैं, कितनी अमाउंट पे की, 25 सर, 25 मिलियन, और इस डेट की कोई पेमेंट बताएं, एनीवन, हाँ जी जनाब, इस डेट की एक और पेमेंट है 700 जो कमिटमेंट फी है, इस डेट की एक और पेमेंट है 700, ओके की बात। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, तो 70 मिलियन में से 25,000 भी माइनस करें और 700 भी माइनस करें,
44300 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या सही 700 ये अरेंजमेंट फीस वाला। हाँ जी इसकी पेमेंट समझ नहीं आई सर, ये समझा दे इसका कॉन्सेप्ट। नहीं तो पेमेंट है कॉन्सेप्ट में क्या है, पेमेंट है जो पेमेंट हम करनी है वो माइनस करेंगे, जो जो पेमेंट्स हमने करनी है जो अवेलेबल फंड है उसमें से करेंगे ना। सर ये जो ये तो है लोन लेने पे है सर, उसको बैंक को करना है। पेमेंट नहीं तो ये पेमेंट नहीं करोगे ये अमाउंट जो आप पे करोगे तो ये पेमेंट नहीं है। ठीक है जी जनाब। कुछ स्टूडेंट कर पूछ रहे हैं कि सर कल आपने माइनस नहीं करवाई थी, कल एक महीने का डिफरेंस था ठीक है, और अगर कल नहीं की थी तो कल भी करनी थी, क्योंकि ये पेमेंट है, जो पेमेंट हमने की है वो हमारी जो अवेलेबल फंड होगा उसमें से जो जो पेमेंट लोन से रिलेटेड होगी वो हमने करनी है, जो जो लोन से रिलेटेड पेमेंट्स होंगी वो हमने करनी है। ओके होगी बात। चलें जनाब उसके बाद हमारे पास 44300 बच गया मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है इसका 38000 डॉलर 8% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट तक का टाइम, अगली पेमेंट हमने कब की, अगली पेमेंट की कोई डेट बताए कब पेमेंट की। 4 महीने क्योंकि 30 जून को एंड हो गया। गुड, पहले हम ईयर एंड करेंगे उसके बाद अगली पेमेंट्स को देखेंगे। तो 30th जून 2010 तक का टाइम लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4/12 कितनी अमाउंट आ गई। साल हमारा कंप्लीट हो गया। साल में हमारे पास स्टिल यही पैसे अवेलेबल हैं मल्टीप्लाइड बाय 8% अगले साल भी मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुई तो हमारे पास जो अवेलेबल पैसे हैं वो 44300 ही हैं। 8% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट का टाइम बताओ। इंतहाई इंटरेस्टिंग बात। अगस्त में हो रही है सर वो पेमेंट जो करनी है रीपेमेंट। 2/12 591 अगस्त भी आ गया। 31st of August 2010 हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 44300 माइनस पेमेंट कितनी करूं मैं, पेमेंट कितनी करूं 500 की और उस पे इंटरेस्ट जो है आ रहा जितना उसका। एक मैंने 5000 पे करना है जो मैंने प्रिंसिपल की अमाउंट पे की है माइनस एक मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा 6 मंथ का, क्योंकि चाहे मैं उसको कैपिटलाइज करूं या ना करूं बैंक को मैंने पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, और 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा यहां पर हम देख लेते हैं 70,000
मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 चीज ना 4550 4550। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना आ रहा है? रिमेनिंग अमाउंट पहले बताएं, 4400 माइनस 5000 माइनस 4550 34750 34750 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट तक का टाइम, अगली पेमेंट तक का टाइम जनवरी 5/12 सिक्स नहीं लेंगे, महीने छह ही बनते हैं, एक महीना सस्पेंशन पीरियड का भी है। 1158 उसके बाद अगली डेट ऑफ पेमेंट है 28 फेब 2010 सॉरी 11। इकतीस जनवरी तक ही है, 28 फेब को नहीं है। 31 जनवरी 2010 अमाउंट हमारे पास है 34,000। ऊपर भी तो चेंज करेंगे ना वो वाली 5/12 को? नहीं नहीं वो नहीं चेंज होगा, 31 जनवरी तक 5 महीने बनते हैं। हाँ जी 65 मिलियन खत्म होगी बात। खबर ने कहा है कि सर ये रिपीट कर दें। देखो खबर भाई, ये आप ने जो 7 मिलियन का लोन लिया था उसके ऊपर 13% के हिसाब से 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 4550। जैसे कल वाले सवाल में था 5 मिलियन प्रिंसिपल की अमाउंट पे की वापस और 4550 उसका इंटरेस्ट बनता है। ठीक है चलें 1181 ये है 2010 के लिए और 591 और 1158 ये है 2011 के लिए। जी जनाब आप मुझे एक बार दोबारा लिखवा दें, 2010 की बता दें अमाउंट कितनी थी 1181, 2011 की बता दें 1181 और 2011 की भी अमाउंट बता दें 1749। अब आ जाते हैं जनरल बोरिंग पे। सवाल को वैसे ही ट्रीट करना है बगैर किसी परेशानी के। जनरल बोरिंग पे हम आते हैं, जनरल बोरिंग से जहर सी बात है जब उससे पेमेंट करेंगे तब ही जनरल बोरिंग हम लेंगे। वर्किंग नंबर थ्री जनरल बोरिंग, जी मेरे भाई सर जी सर एक दफा वो दिखाइएगा स्पेसिफिक स्पेसिफिक बारे में क्या चीज देखनी है आपने? वर्किंग स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट की या इन्वेस्टमेंट इनकम की? स्पेसिफिक बोरिंग की। ये है मेरे भाई स्पेसिफिक बोरिंग की वर्किंग। हाँ जी जनाब आगे चलते हैं। ये लास्ट पे 3/12 क्यों की?
3/12 इसलिए किया मेरे भाई क्योंकि 28 फेब के बाद 31 मई को हमारा एसेट कंप्लीट हो गया था। तो जब एसेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते, बोरिंग कॉस्ट। चले जी, अब आ जाओ जनरल बोरिंग के ऊपर। जनरल बोरिंग की सबसे पहली पेमेंट हम देखते हैं कब की। सबसे पहली पेमेंट की है जनाब 31 जनवरी को 2011 को। बस आप अमाउंट बता दें कितनी पेमेंट की जनरल बोरिंग से। जी जनाब, सबका 30,250 आ रहा है। देखिएगा कैसे पता चला, हमारे पास कितनी अमाउंट रहती थी जो हमारे अवेलेबल थी अमाउंट 34,750। ये हमारे पास स्पेसिफिक पड़े थे, लेकिन हमने पेमेंट कितनी की 65,000 की। इसका मतलब स्पेसिफिक खत्म हो गई, तो बाकी कितनी रह गई? 34,750 में से 65,000, तो 30,250। हाँ जी जनाब, 30,250 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एक ही लोन है इसलिए जो रेट लेंगे वो ही लेंगे। एक ही लोन है 14, अगर एक से ज्यादा होता तो एवरेज रेट फाइंड करते, एक ही रेट है तो 14% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। 3/12 सर। टाइम कितना लेंगे? 1/12। जी कुछ लोग कह रहे हैं 1/12, कुछ लोग कह रहे हैं 0, कुछ लोग कह रहे हैं 3/12। जी जनाब, टाइम लेंगे 0/12। टाइम लेंगे 0/12, उसकी वजह खास। अगली पेमेंट का टाइम है 28 फेब 2011, 1 महीना बनता है, लेकिन वो महीना सस्पेंशन पीरियड है। एक महीना बनता है लेकिन वो महीना है सस्पेंशन पीरियड। अगली पेमेंट कोई बताए कितनी है, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम आपके पास। जी अगली सर, अमाउंट इनकम 28 फेब को 5 मिलियन और जो इंटरेस्ट है। पे किया है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, टोटल अमाउंट बताओ कितनी है, अमाउंट प्लस करके बतानी है। एसन भाई पूछ रहे हैं कि सर ये 30,250 कैसे आया। एसन भाई देखिएगा, हमारे पास स्पेसिफिक बोरविंग के पैसे पड़े हुए थे 34,750, हमने इसमें से पेमेंट कर दी 65,000। जो एक्स्ट्रा पेमेंट की वो हमने जनरल बोरिंग से की। डन। अब मुझे बताएं कि जो मैंने 1,5,000 पे किया, मतलब 5 मिलियन, मैंने अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट भी साथ पे करना है, और अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट मेरे पास आएगा 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 13% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये 65,000 क्यों लिया? 70 मिलियन था, 5 मिलियन पहले पे कर दिया था पिछले साल। इस साल हमने कितना, हमारा जो इस इन 6 महीनों का लोन आना है वो आना है 65,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ रही है? 4,225।
4225 डन। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 5449 9225। प्लस कर देंगे 39475 मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट का टाइम क्या है 4/12 ईयर एंड लेंगे वो तो ईयर एंड खत्म हो गया अगली पेमेंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा वाली सर ये पिछली वाली जो 31 जनवरी 2011 वाली जी सर इसकी समझ नहीं आई सर 31 जनवरी 2011 सर जो पेमेंट की है सर पेमेंट की है ना यस सर उससे अगली पेमेंट फॉर्म आ गई है 28 फरवरी को एक महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए था 31 जनवरी से 28 फरवरी तक ठीक है सर एक महीने का इंटरेस्ट आना था और आपने अगर सवाल गौर से पढ़ा है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो महीना सस्पेंशन पीरियड था और सस्पेंशन पीरियड का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज नहीं करते इसलिए चले जनाब लेकिन सर हम लोग इंटरेस्ट पे किया 4225 इसमें हम सस्पेंशन पीरियड का एक मंथ का भी पे किया इंटरेस्ट वो भी हम ले रहे हैं यहाँ पर ये बैंक को पे किए देखें अब बात सुने कैपिटलाइज करना एक और बात है बैंक को इंटरेस्ट पे करना और बात है कैपिटलाइज हम उतना करेंगे जितना कैपिटलाइज होगा कंस्ट्रक्शन के दौरान बोरिंग कॉस्ट जो कहता है IAS 23 में लिखा हुआ है लेकिन बैंक को चाहे पीरियड सस्पेंड हो या ना हो बैंक को तो हमने पूरे ही ट्रैश की अमाउंट पे करनी है ना और वो हमने करनी है अवेलेबल फंड से बैंक तो नहीं कहेगा कि आपको मटेरियल नहीं मिला था या आपको कोई मसला था बैंक कहेगा उसका जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो हमने पूरे का पूरा पे करना है ओके होगी बात इसलिए पेमेंट में से सारी अमाउंट माइनस होगी 1382 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये 700 प्लस 3033 माइनस 1181 ये प्लस करके बता दें 25 और दूसरा भी प्लस करके बता दें दूसरे साल की वर्किंग लो जी इन दोनों को प्लस करके ही हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे 9225 के बारे में कुछ स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं ये देखिएगा एक आपने 5000 पे किया ये तो आपने पे किया प्रिंसिपल अमाउंट और ऊपर आपने 6 महीने का इंटरेस्ट भी साथ पे करना है अब इंटरेस्ट जो अगले 6 महीनों का होगा वो 65,000 के ऊपर आएगा वजह क्योंकि 70 मिलियन पर पिछले 6 महीने पहले हमने 5 मिलियन पे कर दिया था तो नेक्स्ट जो 6 मंथ है अब हमारा लोन ही 65,000 है लायबिलिटी तो ये 4225 आया एक हमने 5,000 पे किया दूसरा आपने इंटरेस्ट पे किया तो दोनों को प्लस किया तो 9225 आ गया गॉट इट तो जरिया आपका सवाल है कि सर आपने 5 मिलियन हमने मजीद भी पे किया हाँ जी 5 मिलियन एक 5 मिलियन इसके अंदर ऐड है एक 5 मिलियन हमने पहले पे किया था वो स्पेसिफिक बोरिंग से पे हो गया था ये वाला वो जो अगस्त में पे किया था ना वो 5 मिलियन हमने पे कर दिया था पहले ही डन चलें जनाब ये सवाल भी एक अच्छा सवाल था